नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नौकरी एग्जाम वाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा फर्स्ट जो कि के पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि जुलाई 2019 में पूछे गए थे सी टैट पेपर फर्स्ट में। महत्वपूर्ण, यहाँ हम इसके निर्देशों को एक बार देख लेते हैं। महत्वपूर्ण परीक्षार्थी भाग चार प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा एक का विकल्प हिंदी चुना हो। निर्देश हैं इसके लिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुने। यहाँ पर दिए गए गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको देने हैं। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक की प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने स्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसा विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं और इन्हें अपना वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धारा पर स्थायी रूप से नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यह सीख कर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार का मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्ग के विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। प्रश्न नंबर 91, ऐसे विचार सज्जन पुरुषों सज्जन सज्जन मनुष्यों के खा अंतर मन में गा सदा उठते रहे हैं घा। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य को चार भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। ऑप्शन नंबर 1 खा, ऑप्शन नंबर 2 गा घा, ऑप्शन नंबर 4 का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, खा वाले पार्ट में इसमें अशुद्धि है। सज्जन मनुष्यों के प्रश्न नंबर 92, से शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। 1 सदगति, 2 सत्कर्म, 3 सत्यवादी, 4 सद्गुण। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सत्यवादी अन्य तीनों से भिन्न है। सदगति, सत्कर्म और सद्गुण का अर्थ एक ही होता है। प्रश्न नंबर 93, निस्वार्थ शब्द का उपयोग विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द है। ऑप्शन 1 स्वार्थी, ऑप्शन 2 परार्थी, ऑप्शन नंबर 3 परोपकारी, ऑप्शन नंबर 4 निस्वार्थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 स्वार्थी। निस्वार्थ का विपरीत शब्द है स्वार्थी। प्रश्न नंबर 4, पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्ययों से बना है। ऑप्शन 1 आदि इकता, ऑप्शन नंबर 2 आध्य का ता, ऑप्शन 3 आ इकता, ऑप्शन 4 अधि इकता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 आध्यात्मिकता में अधि इक और ता उपसर्ग और प्रत्यय जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 95, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो ऑप्शन 1 सेवक प्रवृत्ति अपनाकर पर हित करते रहते हैं, ऑप्शन 2 धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहते, ऑप्शन नंबर 3 आनंद में जीवन जीते रहे हैं, ऑप्शन 4 अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1
सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहे हैं। प्रश्न नंबर 96, कठोर सत्य किसे कहा गया है? ऑप्शन एक भौतिक संसार की तुच्छता को, ऑप्शन दो भौतिक शरीर की नाशवत्ता, ऑप्शन तीन भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाना, ऑप्शन चार निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, भौतिक शरीर की नश्वरता को कठोर सत्य कहा गया है, दिए गए पैराग्राफ। प्रश्न नंबर 97, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? ए अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, बी सदा सदा के लिए अमर हो जाना, तीन विजय पाने के लिए योजना बनाना, चार ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। प्रश्न नंबर 98, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम ऑप्शन एक निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, ऑप्शन दो पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, ऑप्शन तीन सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, नंबर चार पर ही तौर परोपकार करें। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें तो हमारा जीवन सदा के लिए प्रेरणा बन सकता है। प्रश्न नंबर 99, धर्म के आचरण का उद्देश्य है? ऑप्शन एक अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन दो आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन तीन अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, ऑप्शन चार कर्म पर आस्था रखना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, अच्छे कर्मों और सद्गुणों और गुणों का प्रकाश फैलाना। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। विविध प्रांत हैं, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी, हम इन पर सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम, रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, इस मिट्टी के को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तले से, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तले से, आज झुक कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से, अंडमन से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल, आजाद वतन के बासिंदे हर चरण हमारा है बादल। इस काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के हमें यहाँ उत्तर देने चलते हैं। प्रश्न नंबर 100, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पत्तल से में तूफान का भाव है, ऑप्शन ए कठिनाई, दो आक्रमण, तीन लड़ाइयाँ, चार आंधियाँ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, कठिनाइयाँ, तूफान का भाव यहाँ पर कठिनाइयाँ। प्रश्न नंबर 101, अंडमान से कश्मीर है भारत में, ऑप्शन एक दूरस्थ राज्य, ऑप्शन दो बलिदानी राज्य, ऑप्शन नंबर तीन क्रांतिकारी राज्य, ऑप्शन नंबर चार निकटस्थ राज्य। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, दूरस्थ राज्य, अंडमान से कश्मीर एक दूरस्थ राज्य है। प्रश्न नंबर 102, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ ऑप्शन एक शांति हो जाती है, ऑप्शन दो देश स्वतंत्र हो जाते हैं, ऑप्शन तीन शुभ कार्य हो जाते हैं, ऑप्शन चार क्रांति हो जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, शुभ कार्य हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 103, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, ऑप्शन एक पग, ऑप्शन नंबर दो पद, ऑप्शन तीन चरण, ऑप्शन नंबर चार नव। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, पैर का समानार्थी या पर्यायवाची नव नहीं है, जबकि पग पद चरण ये पैर के समानार्थी होते हैं। प्रश्न नंबर 104, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच में हम बीच में कभी विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम ऑप्शन एक भारतीय हैं, ऑप्शन दो वीर बहादुर हैं, ऑप्शन नंबर तीन स्वतंत्र हैं, ऑप्शन नंबर चार स्वाभिमानी हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, हम सब भारतीय हैं। प्रश्न नंबर 105, समाज की दृष्टि से भिन्न पद है, ऑप्शन एक रहन सहन, ऑप्शन नंबर दो खान पान, ऑप्शन तीन मिलना जुलना, ऑप्शन चार अपनी अपनी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, अपनी अपनी जो है समास की दृष्टि से शेष तीनों से भिन्न पद है। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 106, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, ऑप्शन एक जांच सूची, ऑप्शन दो प्रश्नावली, ऑप्शन तीन पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर चार लिखित परीक्षा। सही उत्तर है प्रश्न का 100, यानी प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, पोर्टफोलियो को प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्व
देना चाहिए। प्रश्न नंबर 107, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर 1 अर्थ, ऑप्शन 2 गति, ऑप्शन 3 प्रवाह, ऑप्शन 4 अक्षर ज्ञान। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थ, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 108, बच्चों को लिखना सिखाने में सर्वाधिक अधिक महत्वपूर्ण है ऑप्शन 1 सुंदर लेखन, ऑप्शन 2 वर्तनी की शुद्धता, ऑप्शन नंबर 3 काव्यात्मक भाषा, ऑप्शन 4 विचारों की अभिव्यक्ति। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 विचारों की अभिव्यक्ति, बच्चों को लेखन लिखना सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 109, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं ऑप्शन 1 प्रसिद्ध रचनाएं, ऑप्शन 2 भाषा की विभिन्न रंगतें, ऑप्शन 3 भाषा का विविध गद्य साहित्य, 4 प्रसिद्ध लेखक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 भाषा की विभिन्न रंगतें प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 110, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को ऑप्शन 1 स्वीकार किया जाना चाहिए, 2 अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, ऑप्शन 3 अनदेखा कर देना चाहिए, 4 अस्वीकार कर देना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 111, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ऑप्शन 1 भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, ऑप्शन 2 भाषा का समृद्ध परिवेश, ऑप्शन 3 संचार माध्यमों का प्रयोग, ऑप्शन 4 अभिभावकों का साक्षर होना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, भाषा सीखने एवं सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है भाषा का समृद्ध परिवेश। प्रश्न संख्या 112, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ऑप्शन 1 भाषा कौशल एक दूसरे संबंधित है, ऑप्शन 2 भाषा कौशल को एक क्रम में अर्जित नहीं किए जा सकता, ऑप्शन 3 भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ऑप्शन 4 भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 113, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है ऑप्शन 1 त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ऑप्शन नंबर 2 त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, ऑप्शन 3 त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, ऑप्शन नंबर 4 त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव होती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। प्रश्न नंबर 114, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है ऑप्शन 1 ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ऑप्शन 2 ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, ऑप्शन 3 ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ऑप्शन नंबर 3-4 ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नौकरी एग्जाम वाला में। आज की इस वीडियो में भाषा सेकेंड हिंदी के प्रश्नों को हमने चूज किया है जो कि जुलाई 2019 के सीटेट पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। महत्वपूर्ण निर्देश इसके देखे लेते हैं यहाँ पर। परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 121 से 150 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी नहीं यदि उन्हें भाषा सेकेंड का विकल्प हिंदी चुना है। निर्देश यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं उनको हम पढ़े लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले निम्नलिखित अध्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 121 से 128 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चिन्हित या उत्तरित कीजिए। पढ़ते हैं दोस्तों प्रश्नों को। दोस्तों पैराग्राफ गद्यांश या पद्यांश या काव्यांश को तेजी से आप पढ़ें और उससे पहले कर सकते हैं तो प्रश्नों को एक बार पहले गद्यांश को या पद्यांश को पढ़ने से पहले एक बार देख लें जिससे हमें उन प्रश्नों के पढ़ते टाइम ही उसमें आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दिए हुए गद्यांश को पढ़ रहे हैं। आप सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे जिससे ईजिली आप प्रश्नों के उत्तर आपको दे पाएंगे। सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा, जैसा हो आघात रे वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज की प्रतिध्वनि है संसार। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसी ही ध्वनि उनसे निकलती है। यदि कठोरता से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि हम कोमलता से आघात करते हैं तो कर्णप्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक
नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणी जन हमारे गायन अथवा वादन की ओर आकर्षित नहीं होंगे। हमारे जीवन रूपी सितार की भी यही स्थिति है। यदि हम अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य नियमानुसार करते रहें और जीवन रूपी सितार उत्पन्न होने वाले प्रत्येक राग रूपी कार्य में हम सार्थक और आनंद भी प्रदान करेगा। इस संसार में हमें जो कुछ सोचते कहते अथवा करते हैं वह हमारे पास लौटकर आता है, न कम न अधिक। जब हम किसी खंडहर अथवा नवादी में कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वह अच्छा शब्द या वाक्य गूंजता हुआ हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम कोई बुरा अपमानजनक अथवा घृणा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही बुरा अपमानजनक और घृणाप्रद शब्द या वाक्य हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम सुरीली आवाज़ निकालते हैं तो वैसी ही सुरीली आवाज़ हमें लौटकर वापस हमारे कानों तक आती है, लेकिन यदि हम डरावनी आवाज़ निकालते हैं तो वैसी ही डरावनी आवाज़ निकल कर लौट कर आती है। जैसा हम वैसा जैसा एक बार बोलते हैं वैसा ही कई बार सुनने को अभिशप्त होते हैं। यह बात अनुभव करते हुए भी इसका आशय हम समझते नहीं। चूंकि आवाज़ के लौट कर आने में थोड़ा वक्त लगता है इसलिए हम उसे स्वतंत्र घटना मान लेते हैं। यह एहसास नहीं कर पाते कि हमारे ही किए हुए काज हमारे ही सोचे हुए भाव अलग दिशा से हमारे पास आते दिख रहे हैं। गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या एक, जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है। ऑप्शन एक, सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है। ऑप्शन दो, जीवन तो सुरीला होता ही है। ऑप्शन नंबर तीन, तुलना ही असंगत है। ऑप्शन नंबर चार, जीवन सितार की भांति संगीत में होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होना चाहिए। प्रश्न नंबर 122, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया। ऑप्शन एक आघात, ऑप्शन नंबर दो गूंज का, ऑप्शन नंबर तीन अनुशासन का, ऑप्शन नंबर चार सितार का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, सितार का, माफ कीजिए, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो गूंज का। लेखक ने इस गद्यांश में जैसा करते हैं वैसा पाते हैं को समझाने के लिए गूंज यानी आवाज को वापस हम तक पहुंचने वाला उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 123, प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष से भिन्न है। ऑप्शन एक निकलता है, ऑप्शन नंबर दो सार्थकता, ऑप्शन नंबर तीन कठोरता, ऑप्शन नंबर चार कोमलता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक निकलता, अन्य तीनों से भिन्न है, जबकि सार्थकता कठोरता कोमलता ये एक ही इनका अर्थ है। प्रश्न नंबर 124, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो की कर्म वाच्य ही रचना होगी। ऑप्शन नंबर दो, यदि कोई अच्छा वाक्य शब्द वाक्य बोला जाए तो। ऑप्शन दो, कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलेंगे तो। ऑप्शन नंबर, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते रहेंगे तो। ऑप्शन नंबर चार, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोले। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, यदि कोई अच्छा। प्रश्न नंबर 125, घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन एक घृणा प्लस पद, ऑप्शन दो घृणा प्लस आस्पद, ऑप्शन तीन घृणा प्लस पद, ऑप्शन चार घृणा प्लस पद। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, घृणास्पद का सही संधि विच्छेद होगा घृणा प्लस आस्पद। प्रश्न नंबर 126, कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन एक रचनाकार, दो कवि, तीन गीतकार, चार संगीतकार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चार, संगीतकार गोपाल दास यानी नीरज के लिए उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि ये गोपाल दास नीरज एक रचनाकार कवि और गीतकार रहे हैं, संगीतकार नहीं रहे। प्रश्न नंबर 127, एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकलने किस पर निर्भर होता है। ऑप्शन एक श्रोता की रुचि पर, दो हल्के या तेज आघात से, तीन वाद्य यंत्र पर, चार बजाने वाले कला पर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, हल्के या तेज आघात पर निर्भर करता है कि वाद्य यंत्र से कोमल या कठोर ध्वनि निकलेगी। प्रश्न नंबर 128, कर्ण प्रिय ध्वनि का आशय है। ऑप्शन एक कानों को प्रिय, ऑप्शन दो कानों से प्रिय, ऑप्शन कानों पर प्रिय, ऑप्शन चार कानों में प्रिय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, वह ध्वनि कर्ण प्रिय ध्वनि होती है जो कि कानों को प्रिय लगने वाली हो, इसलिए ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर है। निर्देश हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए।
हमारा जीवन जिन मानवीय सिद्धांतों, अनुभवों और सांस्कृतिक संस्कारों के बल से समस्त सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण बना है। परोपकार की भावना उन्हीं में एक है। मानव को दूसरे मानव के प्रति वैसा ही संवेदनात्मक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जैसा वह स्वयं के प्रति उत्तरदायी निभाना चाहिए जैसा वह स्वयं के प्रति निभाता है। जीवन को केवल परोपकार, पर सेवा और निस्वार्थ प्रेम के लिए ही स्वाभाविक समझना चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कुछ भी इस दुनिया में के जीवों की स्मृति में नहीं रहेगा। हम जग जीवों की स्मृति में सदा सदा के लिए बने रह सकते हैं जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक चेतना से पूर्ण कर निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव सेवा में समर्पित करें। हम स्थिरता से और शांतिपूर्वक यह विचार करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किए जाने वाला त्याग, त्याग योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए गहन तप की आवश्यकता होती है। त्याग का भाव किसी मनुष्य में साधारण होते हुए नहीं जन्म लेता। इसके लिए मनुष्य को जीवन जगत और इसके जीवों के संबंध में असाधारण वैचारिक रचनात्मक अपना कर निरंतर योग ध्यान तप साधना करनी होगी। उसे इस स्थिति में विचारते हुए विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा। आवश्यकता होने पर उसे जीवों की वास्तविक सेवा करनी होगी। जब एक विशेष मानवीय परिस्थिति उत्पन्न होगी तब ही मानव में त्याग भाव आकर ग्रहण करेगा। प्रश्न नंबर 129, त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 असाधारण पात्रता, सर्वोच्च मानवीयता, 3 सद्गुणों की प्राप्ति, 4 असाधारण रचनात्मकता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 असाधारण रचनात्मकता। त्याग के लिए योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है असाधारण रचनात्मकता। प्रश्न नंबर 130, आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा रेखांकित शब्द का अर्थ है पूर्ण, ऑप्शन 2 रिक्त, ऑप्शन 3 सतर्क, ऑप्शन 4 सज्जित। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सज्जित, लैस का अर्थ सज्जित होना है। प्रश्न नंबर 131, आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 अधि, 2 आधि, 3 असाध्य, आध्य, 4 अ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अधि। आध्यात्मिक शब्द का निर्माण अधि उपसर्ग से हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 132, रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न या अलग शब्द कौन सा है। ऑप्शन 1 वैचारिक, ऑप्शन 2 बौद्धिक, ऑप्शन नंबर 3 वास्तविक, ऑप्शन नंबर 4 मालिक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मालिक, अन्य सभी से भिन्न है। वैचारिक, बौद्धिक, वास्तविक ये एक ही अर्थ वाले सब। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 133, शरीर को नाश्वर कहा जाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 अल्पायु होता है, ऑप्शन नंबर 2 नाशवान होता है, ऑप्शन 3 छोटा होता है, 4 अत्यल्प होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 नाशवान होता है। प्रश्न नंबर 134, लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम ऑप्शन 1 वास्तविक ज्ञान का अर्जन करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, 3 वैचारिक उन्नति करेंगे, 4 नाश्वर शरीर को त्याग करेंगे। सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 2 निस्वार्थ भाव से। प्रश्न नंबर 135, जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया है। ऑप्शन 1 तप, ऑप्शन 2 त्याग, ऑप्शन 3 रचनात्मकता, ऑप्शन 4 शिक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 त्याग को जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य बताया गया। प्रश्न नंबर 136, भाषा में आकलन का अर्थ है। ऑप्शन 1 भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन नंबर 2 आलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, ऑप्शन नंबर 3 साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, ऑप्शन 4 भाषा व्याकरण का आकलन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भाषा के प्रयोग की क्षमता का आकलन भाषा का आकलन कहलाता है। प्रश्न संख्या 137, बच्चों के लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 शुद्ध वर्तनी, 2 विचार तत्व, 3 सुंदर लेखन, 4 व्याकरणिक ज्ञान। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 विचार तत्व। भाषा, बच्चों में भाषा लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है वह विचार तत्व। प्रश्न नंबर 138, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किसे महत्व नहीं देता। ऑप्शन 1 समृद्ध भाषा परिवेश को, ऑप्शन 2 भाषा नियमों में परिवर्तन को, ऑप्शन नंबर 3 भाषा नियमों में विस्तार को, ऑप्शन नंबर 4 भाषा अनुकरण करने को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 भाषा अनुकरण करने को। प्रश्न नंबर 139, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास ऑप्शन 1 साध्य है, ऑप्शन 2 संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 कठिन है, ऑप्शन नंबर 4 साधन है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1
साध्य है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है, होता है। प्रश्न नंबर 140, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। ऑप्शन नंबर 1, कहानी को झोंका तो दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना, 3, कहानी सुनकर शब्दकोश लिखना, 4, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कहानी सुनकर उसको अपनी भाषा में कहना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 141, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1, मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 3, मातृभाषा वाले शब्दों को हिंदी अनुवाद लिखेंगे। ऑप्शन 3, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। 4, रोशनी को समझाएंगे कि यह है गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। प्रश्न नंबर 142, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कथन 1, ऑप्शन 1 शुद्ध उच्चारण, 2 बोलने में आत्मविश्वास, 3 मौलिक विचार, 4 स्पष्टता। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सही या शुद्ध उच्चारण। प्रश्न नंबर 143, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ऑप्शन 1, भाषा कठोर आकलन पर, ऑप्शन 2, भाषा की पाठ्य पुस्तकों पर, ऑप्शन 3, समृद्ध भाषिक परिवेश पर, ऑप्शन 4, भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, समृद्ध भाषिक परिवेश पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास जो सर्वाधिक निर्भर करता है वह समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 144, डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1, डिसग्राफिया, ऑप्शन नंबर 2, डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन नंबर 3, अफ्रेजिया, ऑप्शन नंबर 4, डिसलेक्सिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, डिसग्राफिया वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जबकि डिसलेक्सिया में बच्चों को बोर्ड पर लिखा हुआ सही नहीं दिखाई देता, यानी वो सही नहीं पढ़ पाते। प्रश्न नंबर 145, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन 1, विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना। ऑप्शन 2, दूसरों के विचारों को शब्द से दोहराने मात्र की कुशलता का विकास। 3, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। 4, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचना और रचनाकारों के नाम याद कर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 146, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के विषय में वस्तु फलक डैश होश जिसमें डैश के सरोकार झलकते हों। ऑप्शन 1, विस्तृत समाज, ऑप्शन 2, उच्च समाज, ऑप्शन 3, उच्च विद्यालय, ऑप्शन नंबर 4, विस्तृत अभिभावकों का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, विस्तृत समाज, यानी प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों। प्रश्न नंबर 147, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में ऑप्शन 1 अंतर होता है, 2 आंशिक संबंध होता है, 3 आंशिक संबंध नहीं होता, ऑप्शन 4 अंतर नहीं होता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अंतर नहीं होता, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता। प्रश्न संख्या 148, बहुभाषिकता हमारी डैश भी और हमारी सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग है। ऑप्शन 1, चुनौती संस्कृति, 2 पहचान संस्कृति, 3 समस्या पहचान, 4 विडंबना संस्कृति। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पहचान और संस्कृति, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। प्रश्न नंबर 149, 1-3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश दायरे के अंदर आता हो। ऑप्शन 1 संज्ञानात्मक, ऑप्शन 2 भौगोलिक, ऑप्शन नंबर 3 विद्यालयी, ऑप्शन नंबर 4 भावनात्मक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, संज्ञानात्मक। प्रश्न नंबर 150, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन है। ऑप्शन 1 आंशिक रूप से सत्य है, ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण सत्य नहीं, ऑप्शन नंबर 3 पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 भ्रामक है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पूर्णतः सत्य है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने 30 प्रमुख हिंदी क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें।
उसमें बिल्कुल भी ना शर्माएं, वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने पहली बार हमारी वीडियो को देखा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और साथ ही उसके सामने आने वाले ग्रे कलर के घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप हमारी वीडियोज का लुत्फ़ उठा सकें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो तक। थैंक यू।